मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। यह 8वां तारीख सुबह परमेश्वर के वचन को मैं आपके लिए ले रहा हूं। बहुत ही आनंद मुझे मिल रहा है। हर दिन सुबह में, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक एक छोटा सा संदेश या फिर एक शॉर्ट मैसेज आपको बहुत ही आनंद और तसल्ली और सामर्थ बल आपको दे रहा है। यह सब जो आपकी ओर से जो कमेंट्स आते हैं, राय आते हैं, उसे देखकर मैं आनंदित होता हूं। वही सभी ऊंचाइयों का योग्य है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन रखा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां से कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए मुझे अनुग्रह देता है। उसे सुनने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। यह पूरा दिन परमेश्वर का हाथ आपको चलाते हुए आप देख पाओगे। वही नहीं, दूसरों को जरूर आप इसे शेयर करें। आमीन। और बहुत सारे लोग ऐसे वचनों को सुने, उससे उन्हें उत्साह कीजिए। वही बहुत बड़ा सेवकाई है मेरे प्रिय लोगों। ऐसे अनुग्रह से परमेश्वर आपको भरे। ठीक है, आप इन वचनों को जरा देखिए, सुनिए। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हमारे सब क्लेशों में वही हमारी शांति है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा मालूम है कौन है? वह हमारे शांति का दाता है। मनुष्य हमें शांति नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा जो हमें शांति देता है। उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य जब शांति देता है तो वो थोड़े समय के लिए, उस समय के लिए अच्छा रहता है। पर पवित्र आत्मा जब आपको शांति देगा, उस वेदना से आप बाहर आ जाओगे। इसीलिए इसी पहले अध्याय के 3रे वचन में बहुत ही अद्भुत रीति से लिखता है कि सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, उसकी स्तुति हो। वो परमेश्वर की शांति नहीं, धन्यवाद नहीं बोलता, बल्कि सब प्रकार की शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। वही तुम्हारी शांति है। फिर क्यों हम आंसू बहाएं? हमारे भारों को क्यों अपने आप हम सहते रहें? हमारे भारों को सहने के लिए एक परमेश्वर है, उसके चरणों में रख दीजिए, वह आपको शांति देगा। मेरे पास जो समस्या है, जो आज है, वो कल नहीं होगा। आज की परिस्थिति कल बदल जाएगी या फिर कुछ घंटों में बदल जाएंगी। परमेश्वर बिल्कुल उल्टा कर डालेगा। आमेन। जो वो कहता है वह जरूर होगा, जो वो आज्ञा दे वह पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर के नाम से कहता हूं, है हवा को देखकर बोलिए कि मत, आवाज उठा। समुद्र को देखकर बोलो कि आगे मत बढ़ो। तुम्हारे जिंदगी में जो है एक ऐसा बदलाव आएगा कि बिल्कुल ठहरा हुआ पानी की तरह शांत रहेगा। विश्वास कीजिए। क्या आप विश्वास करोगे? मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु, इस अद्भुत से आशीष भरे समय में प्रभु के द्वारा हमें जो शांति मिलती है, प्रेरित पौलुस ऐसा ही बताता है, इस वचन के द्वारा जो सभी प्रकार के उपद्रव, सभी क्लेशों में वही हमारी शांति है। तेरे बच्चे आज जो समस्या झेल रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, तेरे बच्चों को तू शांति देकर, सहायता देकर, आश्चर्य रूप से परमेश्वर ने हमें अद्भुत किया। सभी प्रकार की शांति का परमेश्वर, वह कहता है जैसे कि सभी प्रकार की शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। अनंत आनंद तेरे बच्चों के सिरों पर बना रहे। परमेश्वर के नाम से तेरे बच्चों के घरों को मैं आशीषों से भरपूर करता हूं। आत्मा प्राण शरीर में एक नया सामर्थ आ जाए। परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर चलाएगा, वह हमारी अगुवाई करेगा। ऐसे धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने आपको साहस से बांधा है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को आप सौंप दीजिए। मैंने भी सौंप दिया है, आप भी दे दीजिए।
अब परमेश्वर आपको चलाता रहेगा। सिर्फ एक शब्द लगातार बोलते रहिए, परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा। आश्चर्य रूप से उत्तरों को आप देखोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।